गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में सारांश की बुक में पेज नंबर 67 स्टोरी है आपकी गधे की सूझबूझ, इसको हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक गधा मैदान में हरी हरी कोमल घास चर रहा था। अचानक उसने एक बाघ को अपनी ओर आते देखा तो घबरा गया। सोचने लगा कि अब प्राण कैसे बचाऊं। तभी उसे एक कहावत याद आई, बुद्धि से बल को हराया जा सकता है। वह खुशी से उछल पड़ा और कहावत को काम में लाने की ठान ली। उसने एक उपाय सोचा, गधे ने अपने पिछले एक पैर से लंगड़ाना चलना शुरू कर दिया। बाघ ने गधे के पास आकर पूछा, क्यों भाई गधे, तू लंगड़ाकर क्यों चल रहा है? गधे ने उत्तर दिया, दौड़ते समय पैर में एक बहुत लंबा और मोटा कांटा चुभ गया है, उसी से पैर दुख रहा है और मैं लंगड़ाकर चल रहा हूँ। बाघ ने पूछा, फिर? गधे ने कहा, यदि खाने का विचार रखते हो तो पहले कांटा बाहर निकाल लो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे खाते समय वह कांटा तुम्हारे गले में अटक जाए और तुम्हें अपने प्राण खोने पड़े। बाघ को गधे का कहना जच गया। उसने गधे का वह पैर उठाया और बड़े ध्यान से उसमें कांटा ढूंढना शुरू कर दिया। गधे को यह अच्छा मौका मिला। उसने कस कर लत्ती मारी और बाघ के सामने से तेजी से भाग निकला। दुलत्ती की चोट पड़ते ही बाघ का मुंह टेढ़ा हो गया, उसके सामने वाले दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा हुआ और सोचने लगा, उफ, गधे की बुद्धि के सामने मेरा बल कुछ काम ना आया। आई होप सभी बच्चों को स्टोरी समझ में आ गई होगी। इसके कुछ क्वेश्चन हैं, वो हम करेंगे। मैदान में गधा क्या कर रहा था? हरी हरी कोमल घास चर रहा था। गधा किसे देखकर घबरा गया? बाघ को देखकर गधा घबरा गया। जब बाघ गधे के पैर से कांटा निकालने लगा तो गधे ने क्या किया? बाघ को दुलत्ती मार दी। गधे की दुलत्ती मारने से क्या हुआ? बाघ का मुंह टेढ़ा हो गया। सभी बच्चे इसको रीड करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।